दोनों इस वक्त लाइव है मेरे साथ। जनक, पहले आपके पास आ रही हूँ, अपडेट क्या है अभी पूरे मामले पर? देखिए मेरे पास जो जानकारी है, गुजरात में अभी 20 जगहों पर, अहमदाबाद, बड़ौदा, वापी, वलसाड़, ऐसे अलग अलग जगहों पर कुल मिलाएं कि 20 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसको आप सर्वे का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि सर्वे के बाद जब जानकारी आएगी उसके बाद उसको आधिकारिक रेड का नाम दिया जा सकता है। लेकिन इनकम टैक्स अभी टीमें वहाँ पर पहुँची है। अहमदाबाद में 3 लोकेशन है जहाँ इंडिविजुअल लोगों के साथ साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। जो मुख्यतः वजह है वो यही है कि पिछले कुछ दिनों से पता चला था कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो चंदा इकट्ठा कर रही है। गुजरात में चुनाव भी हैं, आप समझ रही हैं, तो गुजरात में ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपना चंदा इकट्ठा जो करती हैं वो अगर वाइट मनी होता है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के पास फंड लेने की एक फ्रीडम है, वो हो सकती है। लेकिन ब्लैक का वाइट जब किया जाता है तो उसके कुछ तार वो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उनको मिले थे, और उसके जो जब तार उसको जोड़े गए तब पता चला कि एक बड़े पैमाने पर इसको ब्लैक टू वाइट किया जा रहा है। जो पैसे हैं, काला धन है, उसको वाइट किया जा रहा है। ऑफिशियली पहले पैसे दिए जाते हैं चंदे के तौर पर, उसका वाइट प्रोपोर्शनेट फिर दिखाया जाता है। हाँ। तो ये एक बड़ा गोरख धंधा है, और उसको जब उसके तार जब खंगाले गए तो न कि केवल गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी जानकारी सामने आई, और आज इसका इनका आयकर विभाग का सबसे बड़ा मेगा ऑपरेशन भी कह सकते हैं आप, जहां पर इस तरीके से छापेमारी सुबह से चल रही है। अच्छा, भवानी मैं आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि ये जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है अगर उन सबको मैं कनेक्ट कर पाऊं तो देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, इसके अलावा हिमाचल, गुजरात में, जहां गुजरात में बड़ी संख्या में इस वक्त रेड पड़ी है वहां इस साल के अंत में, उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है चुनाव, तो क्या चुनावी राज्य जो आगे हैं उनके ऊपर खासी नजर है, क्योंकि वहीं पर तो ये छोटी पार्टियां एक्टिव होंगी इस वक्त? भवानी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से या चुनावों से कनेक्शन जोड़ने से पहले ये देखना होगा कि जो छापेमारी हुई है उसके अंदर मिड डे मील के, राजस्थान में जो खासतौर पर बात करूँगा, मिड डे मील के 53 ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई उसमें से 37 एक ही जगह पर, जयपुर के पास में कोटपुतली जगह है जहाँ से मंत्री राजेंद्र यादव आते हैं, उनके रिश्तेदारों पर कहा जा रहा है कि उनसे जुड़ी हुई कुछ मिड डे मील की कंपनियां हैं, कुछ गोडाउन हैं जिन पर छापेमारी की गई है। और इसमें आरोप क्या, सबसे बड़ा जो आरोप है वो इस बात को लेकर है कि आप मिड डे मील की जो सप्लाई हुई है उसके अंदर जो प्रॉपर टैक्स दिया जाना चाहिए वो टैक्स नहीं दिया गया, कुछ उसके अंदर धांधली का भी आरोप है सप्लाई के अंदर। तो अगर मिड डे मील की एक बड़ी योजना, आप देश भर में देखिए कि मिड डे मील का जो, क्योंकि हर स्कूल्स तक मिड डे मील की सप्लाई होती है और इसके अंदर एक बड़ी चेन जुड़ी हुई है पूरे पैन इंडिया की बात करें, तो अगर उसके अंदर टैक्स चोरी होती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिड डे मील कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हर स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और अगर उसकी टैक्स चोरी से जुड़ा मामला, अब सवाल कई सारे ये लोग उठा सकता है विपक्ष की, नहीं जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहा उसके अंदर है, लेकिन इसके आधार पर ये सफाई नहीं दी जा सकती है कि आप मिड डे मील के अंदर ये टैक्स की चोरी कैसे कर रहे थे, टैक्स आप प्रॉपर जमा क्यों नहीं करा रहे थे। और जिन जिन के नाम आ रहे हैं, अगर जो मिनिस्टर है उनका भी कंफर्म होना है, लेकिन उनके जो रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, हाँ। ये देखना जरूरी है। हाँ। लेकिन इसके अंदर जो छापेमारी की गई है उसके अंदर, हाँ, खासतौर पर पैरामिलिट्री फोर्स CRPF को बुलाया गया और वहाँ काफी सारे जवान, तकरीबन 100 से ज्यादा जवान है इस वक्त तैनात है। जी ठीक है भवानी, आप मेरे साथ बने रहिए, इसके अलावा जनक आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन भवानी ये बड़ा अपडेट दे रहे थे कि राजस्थान जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त रेड की कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है वहां पर जो पूरा एंगल है वो मिड डे मील से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ देश भर में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, ईडी की रेड चल रही है। शुरुआत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी रेड ईडी की चल रही है। अब जरा इधर आप नजर डालिए, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य इधर जहां पर ईडी की रेड चल रही है, ये कुल मिलाकर के आप 7 राज्य देख पा रहे हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई एक साथ हुई है। 100 से ज्यादा ठिकाने हैं इन 7 राज्यों में, 100 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर एक साथ ईडी की रेड चल रही है, और सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा जगहों पर जहां पर ईडी की रेड है वो है राजस्थान। मेरे सहयोगी भवानी को अभी आपने सुना जो ये बता रहे हैं कि इन जगहों पर भी 50 से ज्यादा जगहों पर जहां राजस्थान के अंदर छापेमारी चल रही है, इसमें भी जो मिड डे मील वाले मंत्री जी हैं उनके सबसे ज्यादा ठिकाने हैं। तो ये 7 राज्यों में सबसे ज्यादा रेड राजस्थान के अंदर, और इस राजस्थान के अंदर मिड डे मील का भी एंगल। एक और बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर एक और, उसका भी रुख कर लेते हैं। ईडी की कार्रवाई जगह जगह जारी है, बहुत बड़ा एक्शन है ये, इनकम टैक्स विभाग का ये बहुत बड़ा एक्शन है। देश भर में एक साथ
टैक्स की चोरी को लेकर के रेड इनकम टैक्स की चल रही है। 100 से ज्यादा जगह जहां इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, शंकर आनंद मेरे सहयोगी जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और उसी के आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश के अंदर इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात इनकम टैक्स सक्रिय एक साथ और हर जगह ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की, क्योंकि आयकर की चोरी का ये पूरा मामला है। आयकर की चोरी का पूरा मामला। जनक, भवानी मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनक, आपका आप मेरे खरी हूं, भवानी इसके पहले बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर तो मिड डे मील का भी मामला है, बाकी राज्यों में ये एंगल नहीं है। वहां पर आपसे आप ये समझना चाहूंगी जनक कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग। जनक मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लौटेंगे जनक के पास हम लौटेंगे। भवानी आपका एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा छापेमारी की जो कार्रवाई है वो राजस्थान के अंदर ही होती है, तो आपकी जो अपडेट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भवानी ठीक है, मैं रुख करती हूँ, जनक और भवानी दोनों का मैं रुख करती हूँ। खबर एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है कि किस तरह से चुनावों के वक्त छोटी पार्टियों में चंदा देकर के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की जाती है और उसी के आधार पर टैक्स की चोरी भी होती है। मेरे सहयोगी इसके पहले आपको ये समझा रहे थे कि अगर व्हाइट मनी में चंदा दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्हाइट मनी उसे कहीं भी आप चंदे के रूप में दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स विभाग की यह छापेमारी है जिससे यह पता चल रहा था कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, मतलब चंदा दे करके जो काला धन है उसे सफेद बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसी को आधार बना करके अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पूरे देश के अंदर 100 से ज्यादा जगहें जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की ब्रेड पड़ी है और अलग अलग राज्य इसमें शामिल है। 7 राज्य ऐसे हैं, अभी नक्शे के जरिए आपको मैंने समझाया, 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है और राजस्थान में सबसे ज्यादा। राजस्थान में तो दो एंगल है, अगले साल चुनाव है ही, अभी बहुत सी ऐसी पार्टियां और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चंदा उगाही का काम करना शुरू कर भी चुके हैं, खास करके गुजरात में। राजस्थान में भी वही बात है, राजस्थान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं चुनावों के पहले अब सक्रिय हो चुके हैं और चंदा उगाही का काम किया जा रहा है। लेकिन ये चंदा सफेद धन नहीं है, जो चंदा देने वाले हैं उनका वो धन सफेद धन नहीं है, दरअसल इसकी आड़ में काले धन को सफेद बनाने की कोशिश है। तो ये बड़ी खबर, राजस्थान में 53 जगहों पर छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी है। अच्छा, खास बात यह कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही है। जब ऐसी रेड पड़ती है तो इनकम टैक्स के जो अधिकारी रहते हैं वो मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती। भवानी का मैं एक बार फिर से रुख करती हूं, भवानी अपडेट दीजिए। भवानी अपडेट क्या है? सवाल कर रहे हैं जी। जी जी, अपडेट ये है कि अभी तक छापेमारी जारी है, 53 जगह हैं जिसके अंदर ठिकानों में से, उसमें से जोधपुर, पाली और जयपुर, जयपुर के कोटपुतली इलाका है सबसे ज़्यादा, जहां पर 37 जगह पर, यानी 53 में से 37 एक ही जगह पर छापेमारी हो रही है कोटपुतली के अंदर। कोटपुतली वो इलाका है जहाँ से राजेंद्र यादव, कांग्रेस के विधायक और मंत्री आते हैं, राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है राजेंद्र यादव पर, उनके रिश्तेदारों पर छापेमारी जारी है, उसमें कई सारी इंटरप्राइजेज हैं, उनकी कंपनियां हैं, वहां पर गोडाउन है, वहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ा जो आरोप है इस बात का कि मिड डे मील के अंदर धांधली का आरोप है, मिड डे मील के अंदर टैक्स चोरी का आरोप है। और ये बड़ी बात है कि आप अगर जो जिम्मेदार हैं, आखिर अगर उनके रिश्तेदार परिजन अगर इस तरीके के घेरे में आते हैं और मिड डे मील से अगर चोरी का पैसा आ रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये बड़ी सवाल है। उसके अंदर और लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये तमाम तरीके की जांच है। भवानी आपके पास मुझे जनक का भी रुख करना है, लेकिन आगे आपके पास जब आऊंगी तो यही सवाल भवानी मेरा रहेगा कि कांग्रेस के नेता के ऊपर छापेमारी, तो आगे कांग्रेस को तो यही कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का, अब उसमें इनकम टैक्स को भी शामिल कर लिया जाएगा, दुरुपयोग किया जा रहा है। जनक आपके पास आ रही हूँ, अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, मेरे पास अपडेट यही है अर्थिका, कि गुजरात में 20 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है उसमें पॉलिटिकल पार्टी को
चंदा देने का मामला है, जो राजस्थान में हमने देखा कि वो मिड डे मील में टैक्स चोरी का भले ही मामला हो, लेकिन गुजरात में ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है पुख्ता, जो सूत्रों से, उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना और उसको भी गलत तरीके से, उसमें फर्जीवाड़े की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगी और उसके बाद जाकर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने पिछले कुछ समय से गुजरात में पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देना शुरू किया था। और इसी के चलते चंदा देते राजनीतिक पार्टी को आधिकारिक तौर पर तो कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन ब्लैक टू वाइट करने का जो मामला था वो पूरी जानकारी उनके पास आई और उसके बाद उसके जब तार खोले गए तो न कि केवल एक बल्कि ऐसे बहुत सारे जो छोटे मीडियम ग्रुप हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया उनके यहाँ पर पहले नोटिस समाई गई और आज अभी उनके यहाँ छापेमारी और सर्वे का काम चल रहा है। हाँ, आप नजर बना करके रखिए, भवानी आपके पास भी लौटूंगी, जनक आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन देखिए टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बातचीत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। उधर जी न्यूज और एबीपी न्यूज दोनों मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, देश के कई राज्यों में 24 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स की चोरी का मामला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के घर पहुंची सीबीआई, कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के घर में तलाशी अभियान, घर पर नहीं मिले मंत्री मलय। आज होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, पीएम की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। दक्षिण कोरिया सरकार के मुताबिक तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई, जबकि दक्षिणी हिस्से में बसे करीब 3,500 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही 600 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तूफान ने 250 से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया। और दक्षिण कोरिया में लोगों को दहलाने के बाद ये शक्तिशाली तूफान उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद ये ताकतवर तूफान अब चीन के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहां इससे निपटने के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और चीन के पूर्वी हिस्सों के कई प्रांतों में तूफान का मुकाबला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। आशंका जताई गई कि चीन में दक्षिण कोरिया की तरह ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, यानी वहां भी तूफान सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इसे देखते हुए चीन ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया। वहां समंदर में नाव लेकर जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस के एक फैसले की वजह से एक बार फिर तेल की कीमतों में आग लगने वाली है, जिसका असर बाजार पर दिखने भी लगा। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 प्रति बैरल के करीब बनी हुई थी, लेकिन ओपेक प्लस देशों के एक फैसले के बाद कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। ओपेक प्लस उन देशों का संगठन है जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें रूस भी एक है। इन देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रही थी, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रहे थे, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इन देशों ने किया इसके बिल्कुल उलट। कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला कर लिया। कच्चे तेल के उत्पादन का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है। अगर मांग के बराबर सप्लाई हो जाए तो कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़नी तय है। तेल का खेल अब कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ा है। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों ने उस वक्त कम करने का फैसला किया था जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग काफी कम थी, यानी 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया था और पूरी दुनिया में एक साथ सख्त लॉकडाउन लगाया गया।
जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई।